on the abacus. To represent a number on the abacus, we place beads on the abacus. हमें कोई भी abacus में number represent करने के लिए उसके beads में numbers draw करने हैं bead. So example represent 8302 on the abacus. Let us look at the place value chart. The place value of 8 is 8000. The place value of 3 is 300. The place value of 2 is 2. So 1000 place पे how many digit 8, 100 place पे 3, 10th place पे 0 and 1st place पे 2. So हमारे 1st place पे कितने digit है 2. तो हम abacus की first chip पे 1st place होते हैं तो कितने beads draw करेगी 2. And 10th place पे कितने digit है 0. जब भी 0 होता है तो for 0 bit do not place any bead on the respective spike of the abacus. जब भी 0 की बात होती है तो हम उस पे कोई भी बीट ड्रॉ नहीं करते. नेक्स्ट 100 प्लेस पे कितने डिजिट है 3. सो हमें कितने बीट्स शो करने हैं 3. 1 2 3 एंड 1000 प्लेस पे 8. सो वी ड्रॉ 8 बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर. व्हाट इज प्रीडेसेसर? A predecessor of a number is a number that comes just before it. किसी भी number से जो भी number पहले आता है तो उसको बोला जाता है predecessor. And predecessor find out करने के लिए हम क्या करते हैं minus 1. किसी भी number में minus 1 करेगी तो always वो आएगा predecessor. Successor. A successor of a number is a number that comes just after it. किसी भी नंबर के बाद आने वाला नंबर. जैसे नंबर 9 पे भी हम नंबर शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 8 के बाद क्या आता है 9. तो हम ऑलवेज सक्सेसर में क्या करते हैं प्लस 1. 1653. तो हमें इसका प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है तो प्रीडेसेसर में हम क्या करेंगे माइनस 1. सो माइनस 1 करेगी तो क्या होगा 8652. And next successor. Successor find out करने के लिए हमें क्या करना है plus 1. 3 plus 1 is always 4. So we write as 8654. So next topic is comparison of numbers. Comparison. Comparison means होता है compare करना. इसके कुछ symbols होते हैं जैसे first symbol greater than, second is less than और third one is equal to. Greater than. It is a symbol that indicates that the first number is greater than the second number. Greater than का symbol तब use होता है जब first number always greater than होता है. तो उसकी तरफ ये symbol क्या होता है open. Next less than. It is a symbol that indicates that the first number is smaller than the second number. तो जब भी कोई number smaller होता है तो ये वाला symbol use होता है. Equal to. It is a symbol used to express two equal numbers. जैसे कोई भी same numbers तो equal to symbols यूज होते हैं. जैसे example let us compare 2565 and 2545. अब ये 1000 place तक number है, so हमें इसे compare करना है. Compare के कुछ steps होते हैं, जैसे firstly भी compare, जब भी हम compare करना start करेंगे तो left to right. Compare the numbers from left to right. Left में सबसे पहला place क्या है 1000 place. तो हम दोनों डिजिट दोनों नंबर्स के 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे. कंपेयर द डिजिट एट द 1000 प्लेस. सो हियर फर्स्ट में भी 2 है 1000 प्लेस पे, सेकंड में भी 2. सो 2 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्या कंपेयर करेंगे 100 प्लेस. सो कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस. सो फर्स्ट नंबर में 5, सेकंड में भी 5. तो 5 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 10th प्लेस. कंपेयर द डिजिट एट 10th प्लेस. तो 10th प्लेस पे फर्स्ट पे 6 एंड नेक्स्ट पे 4. तो व्हिच नंबर इज ग्रेटर 6. सो 6 इज ग्रेटर देन 4. सो 6 इज ग्रेटर देन 4 है तो 2565 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2545. सो 4 ए 4 डिजिट नंबर स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम 1000 प्लेस टू 1 प्लेस. हमें जितने भी चार डिजिट्स होते हैं 1000 प्लेस 10000 प्लेस हमें हमेशा डिजिट कहां से कंपेयर करना स्टार्ट करना है left to right. If the value of the digit at the 1000 place is the same in both the numbers, then compare the value of the digit at 100 place and so on. जैसे जैसे हम compare करते रहेंगे, यदि equal digit आते रहेंगे, तो हमें next place पे जाते रहना है. और digit हमेशा जैसे firstly भी compare 1000 place, next 100 place, next 10th place,
और जब तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आता, जैसे 2 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट में 6 इज ग्रेटर देन 4, सो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. तो 2565 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2545. सो नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर,